मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। आज का इस वीडियो नवरात्रि के ऊपर होने वाला है, जैसे कि दुर्गा पूजा आने वाला है, तो आज मैं इसी के ऊपर ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो आप लोग इस तरह का स्टेटस वीडियो बना लीजिएगा। एक बात का आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को फुल वॉच कीजिए दोस्त। आप लोग सॉन्ग बीट मारे सेक इफेक्ट इंपोर्ट करके वीडियो का स्किप मत कर दीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। आप लोग समझ जाइएगा, इसमें नए नए एनिमेशन के साथ आज क्रिएट किया हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप लोग अलाइट मोशन ऐप में आइएगा। अलाइट मोशन में आने के बाद आप लोग के सामने देखने को मिलेगा नवरात्रि दुर्गा पूजा सॉन्ग बीट मार्क और शेक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये दोनों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके अपने अलाइट मोशन में इनपुट कर लीजिएगा। इसमें जितने सारे मटेरियल यूज होने वाले, फोटो वगैरह और एक्सएमएल फाइल, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, और टेलीग्राम चैनल के लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग सॉन्ग बीट मार्क में आइएगा। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद कुछ इस तरह से एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा, तो आप लोग कुछ मत कीजिएगा, नीचे का साइड स्क्रॉल डाउन इस तरह से कुछ कीजिएगा, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इमेज बनाया हुआ देखने को मिलेगा, तो आप लोग कुछ मत कीजिएगा। ये जो ब्लैक कलर का इमेज है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर फील्ड पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी भगवान का फोटो लगा लीजिएगा। तो चलिए मैं ये फोटो लगा लेता हूँ, ये मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे फोटो कुछ इस तरह से शो हो गया है। उसके बाद आगे आइएगा तो एक और इमेज देखिएगा, आप लोग यही इमेज सेम फोटो में लगा लीजिएगा। तो कलर फील्ड पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग पहले इमेज जो लगाए थे वही इमेज लगा लीजिएगा। चलिए मैं लगाया था पहले, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, फिर देखिए वही इमेज यहाँ पे ऐड हो गया है। उसके बाद आगे आ जाइएगा, आगे आइएगा फिर एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा, तो आप लोग कुछ मत करिएगा। ब्लैक कलर के इमेज पे क्लिक कीजिएगा, कलर फील्ड पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से दूसरा फोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो लगा लेते हैं ये फोटो, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फोटो कुछ इस तरह से शो हो गया है। उसके बाद आगे आइएगा, छोटा सा देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, तो आप लोग इस पर भी क्लिक कीजिएगा, कलर फील्ड पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग जो पहले एक फ़ोटो लगाए थे वो फ़ोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो लगाया था, प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग यहाँ से लेकर के जो छोटा छोटा दो दिख रहा है, इसमें आप लोग पहले दूसरा फ़ोटो लगा लीजिएगा, फिर इसमें दूसरा फ़ोटो, ये दोनों में ये सेम फ़ोटो लगेगा, ये एक बड़ा एक छोटा है उसमें सेम फ़ोटो लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग यहाँ से लेकर के डबल बीट तक लगा लीजिएगा। उसके बाद डबल बीट के पास आगे आइएगा, आगे आने के बाद कुछ इस तरह से एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा। देखिए कुछ इस तरह से एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ से, तो आप लोग कुछ मत कीजिएगा, यहाँ से आप लोग यहाँ से फ़ोटो लगा लीजिएगा। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो लगा लीजिएगा भगवान जी का। चलिए मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ, थ्री डॉट पे जाके फुल कॉम्पोजन कर दीजिएगा, अगले बीट में आके टर्न टू राइट कर दीजिएगा। अब इसमें इफेक्ट कौन सा लगेगा, तो बैक करके अपने शेक इफेक्ट में आ जाइएगा। पहला शेक इफेक्ट में आने के बाद ये जो फर्स्ट वाला इफेक्ट जो दिख रहा है आप लोग, इस पर क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, थ्री डॉट पर जाकर कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, कॉपी इफेक्ट हो जाएगा। बैक करके अपने बीट मार्क में आइएगा, बीट मार्क में आने के बाद आप लोग कुछ घसका करके इस तरह से ले आइएगा जहाँ आप लोग फोटो ऐड किया था। चलिए मैं फ़ोटो पे यहाँ पे ऐड किया हूँ, फोटो पे क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिएगा। तो देखिए इफेक्ट कुछ इस तरह से पेस्ट हो गया है, कुछ इस तरह से इफेक्ट हो गया। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो इसी तरह से आप लोग यहाँ से पहले फ़ोटो ऐड कर लीजिएगा। चलिए मैं दूसरा फ़ोटो ऐड करता हूँ, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ से दूसरा फ़ोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ, थ्री डॉट पे आके फुल कॉम्पोजन कर दीजिएगा, अगले बीट में आके टर्न टू राइट कर दीजिएगा, इसमें इफेक्ट वही लगा लीजिएगा पहला वाला है। तो प्लस फोटो पर क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, थ्री डॉट पर आके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिएगा। तो देखिए इफेक्ट भी कुछ इस तरह से शो हो गया है, देखिए इफेक्ट कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग यहाँ से लेकर के डबल बीट तक आप लोग 11.25 सेकंड तक फ़ोटो लगा लीजिएगा। उसके बाद फ़ोटो लगाने के बाद आप लोग एक काम और करने का है, ये जो ग्रुप बनाया हुआ दिख रहा है आप लोग, ये ग्रुप को खींच करके ऊपर ले आइएगा फ़ोटो के ऊपर। तो देखिए ग्रुप कुछ एनिमेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखिए इसी तरह से आप लोग लगा लीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आइएगा,
उसके बाद आगे आइएगा तो कुछ इस तरह से एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा। कुछ नीचे का साइड स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह से एनिमेशन बनाया हुआ है। तो आप लोग कुछ मत कीजिएगा, इसमें फोटो रिप्लेस कर लीजिएगा आप लोग। तो इस पर क्लिक कीजिएगा ब्लैक कलर के इमेज पे, कलर फील्ड पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई दूसरा फोटो लगा लीजिएगा दुर्गा माता का। चलिए मैं एक फ़ोटो लगा लेता हूँ, ये फोटो। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फोटो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, फोटो शो हो गया। उसके बाद आगे आइएगा तो कुछ इस तरह से एनिमेशन मिलेगा, इसमें भी आप लोग फोटो एडिट कर लीजिएगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर फील्ड पर क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से दूसरा फोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ, ये फोटो। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फोटो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो गया। इसी तरह से आप लोग रिप्लेस कर लीजिएगा। चलिए मैं कर लेता हूँ, आप लोग भी इसी तरह से रिप्लेस फ़ोटो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं फ़ोटो रिप्लेस कर लेता हूँ, ये मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ। प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से इसमें भी शो हो गया। उसके बाद आगे लास्ट में इमेज जो दिख रही है इसमें भी आप लोग फ़ोटो लगा लीजिएगा। कलर फील्ड पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से दूसरा फ़ोटो कोई एक सा भी लगा लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो लगा लेती हूँ, ये फ़ोटो। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। उसके बाद आगे आइएगा तो कुछ इस तरह से एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा, एनिमेशन कुछ इस तरह से। तो आप लोग कुछ मत कीजिएगा, पहले आप लोग यहाँ से फ़ोटो लगा लीजिएगा। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ से फ़ोटो लगा लीजिएगा पहले। चलिए मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ, 3 डॉट पे जाके फुल कॉन्फर्मेशन कर दीजिएगा। अगले बीट में आके ट्रेन टू राइट कर दीजिएगा। अब इसमें इफेक्ट लगा लीजिएगा आप लोग, देखिए सॉरी इसमें फुल कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, 3 डॉट पे आके फुल कॉन्फर्मेशन कर दीजिए। फ़ोटो कुछ इस तरह से बड़ा हो गया, तो आप लोग इसको जाके एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग पहले फ़ोटो को। देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा, देखिए कुछ इस तरह से फ़ोटो एडजस्ट हो गया है। उसके बाद आप लोग इसमें इफेक्ट लगा लीजिएगा। तो बैक करके अपने सेक इफेक्ट में आइएगा, सेक इफेक्ट में आने के बाद ये जो सेकेंड वाला इफेक्ट जो दिख रहा है आप लोग, सेकेंड वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, 3 डॉट पर आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, बैक कर लीजिएगा। यहाँ से बैक करके अपने बीट मार्क में आ जाइएगा, बीट मार्क में आने के बाद आप लोग इस तरह से घसका लीजिएगा जहाँ आप लोग फ़ोटो एड किया था। चलिए मैं घसका लेता हूँ, यहाँ पे मैं फ़ोटो एड किया हूँ यहाँ पे। तो फोटो पे क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, 3 डॉट पर आके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिएगा। तो देखिए इफेक्ट कुछ इस तरह से पेस्ट हो गया, इफेक्ट पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग क्या कीजिएगा, एक और फ़ोटो लगा लीजिएगा। प्लस पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं ये फ़ोटो लगा लेता हूँ, ये मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ। तो 3 डॉट पर आके फुल कॉम्पोजिशन कर दीजिएगा, अगले बीट में आके टर्न टू राइट कर दीजिएगा। अब इसमें इफेक्ट भी वही लगा लीजिएगा, तो इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, 3 डॉट पे आके पेस्ट पे कर दीजिएगा। तो सेकेंड वाले इफेक्ट भी लग गया इसमें। अब यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ से यहाँ तक फोटो एड कर लीजिएगा, कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए डबल बीट मिलेगा, 23.18 सेकेंड तक आप लोग फ़ोटो एड कर लीजिएगा, फ़ोटो एड हो जाएगा। सेकेंड वाले इफेक्ट भी लगा लीजिएगा, इफेक्ट लग जाएगा। उसके बाद आप लोग को एक काम और करने का है, क्या कीजिएगा, आप लोग को सामने एक ग्रुप बनाया हुआ देखने को मिलेगा, ये ग्रुप को आप लोग खींच करके सबसे ऊपर ले आइएगा। फ़ोटो वोटो लगाने के बाद, इफेक्ट पेस्ट करने के बाद ऊपर ले आइएगा। तो देखिए एनिमेशन कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, एनिमेशन देखिए कुछ इस तरह से शो हो गया एनिमेशन। उसके बाद आगे आइएगा, यहाँ तक आप लोग फ़ोटो रिप्लेस कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आ जाइएगा, आगे कुछ इस तरह से इमेज बनाया हुआ देखने को मिलेगा एनिमेशन। तो आप लोग कुछ मत कीजिए, सबसे पहले आप लोग बैकग्राउंड में फ़ोटो लगा लीजिएगा। नीचे वाले इमेज पे क्लिक कीजिएगा, कलर फील्ड पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ, ये मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए कुछ पीछे का साइड में इस तरह से फ़ोटो शो हो गया। आप लोग इसमें भी ब्लैक कलर का 2 इमेज दिख रहा है, इसमें भी आप लोग फ़ोटो रिप्लेस कर दीजिएगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर फील्ड पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से फ़ोटो रिप्लेस कर लीजिएगा कोई। चलिए मैं फ़ोटो कर लेता हूँ। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए एनिमेशन कुछ इस तरह से शो हो गया है। उसके बाद आगे आइएगा तो कुछ इस तरह से एनिमेशन मिलेगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर फील्ड पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ, ये फ़ोटो। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। आगे आइएगा, कुछ आगे आएगा तो कुछ इस तरह से एक एनिमेशन देखने को। तो आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसमें मैं बना के दिया हूँ, आप लोग इसमें कुछ मत कीजिएगा। उसके बाद आगे आ जाइएगा, आगे आने के बाद कुछ इस तरह से छोटा सा इमेज और बनाया हुआ देखने को मिलेगा एनिमेशन। तो आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर फील्ड पर क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से दूसरा फ़ोटो लगा लीजिएगा कोई एक सा भी। चलिए मैं ये फ़ोटो लगा लेता हूँ, ये मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ। तो प्लस पर क्लिक कीजिएगा,
देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से इसमें शो हो गया, फ़ोटो शो हो जाएगा। उसके बाद आगे आइएगा तो कुछ इस तरह से एनिमेशन खाली देखने को मिलेगा। खाली बिट में आप लोग क्या कीजिएगा, पहले फ़ोटो रिप्लेस कर लीजिएगा, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ। थ्री डॉट पर आके फुल कर दीजिएगा, अगले बीट में आके टर्न टू राइट कर दीजिएगा, और उसके बाद इफेक्ट इसमें कौन सा लगेगा तो बैक करके अपने सेक इफेक्ट में आइएगा। सेक इफेक्ट में आने के बाद ये लास्ट वाला इफेक्ट जो दिख रहा है आप लोग, ये लास्ट वाला फोटो पे क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, थ्री डॉट पे आके कॉपी फेड कर लीजिएगा, बैक करके अपने बीट मार्क में आ जाइएगा। बीट मार्क में आने के बाद आप लोग घसका लीजिएगा कुछ इस तरह से, आप जहाँ आप लोग फोटो एड किया था। चलिए मैं घसका लेता हूँ, यहाँ पर मैं फोटो एड किया हूँ यहाँ पर, तो फोटो पे क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, थ्री डॉट पे आके पेस्ट पे कर दीजिएगा। तो देखिए इफेक्ट कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। उसके बाद एक और फोटो रिप्लेस कर लीजिएगा, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं ये फोटो ले लेता हूँ, ये मैं फोटो ले लेता हूँ, थ्री डॉट पे आके फुल कॉम्बिनेशन कर दीजिएगा, अगले बीट में आके टर्न टू राइट कर दीजिएगा। अभी इसमें लास्ट वाला थ्री वाला इफेक्ट लगा लीजिएगा, तो इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, थ्री डॉट पे आके पेस्ट पे कर दीजिएगा। तो देखिए इफेक्ट कुछ इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से फोटो लगा करके थर्ड वाला इफेक्ट पूरा लास्ट तक लगा दीजिएगा, तो वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर खाली डब्बा मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।